तो ये आ गया अपना ऑर्डर। आप बच्चों को यहाँ पर बैठा दो और खुद शॉपिंग में व्यस्त हो जाओ। 25,000 की ये रेंट में मिलेगा क्या? आराम से रख। आ गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज सैटरडे और थोड़ा सा ऑफिशियल काम खत्म करने के बाद मैं आया हूँ अम्बाला। अम्बाला में मेरी एक मीटिंग थी और मीटिंग से थोड़ा सा फ्री होके अभी हम आए हैं एक ऐसे जगह पर जहाँ पर ब्रांड्स का हब माना जाता है। जो कि तो अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो कुछ ब्रांड्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे, और अगर मैं एक बार चारों तरफ घूमता हूँ तो चारों तरफ यहाँ पर ब्रांड्स आउटलेट्स हैं। तो यहाँ पर मोर देन 100+ ब्रांड्स आउटलेट हैं, और मैं आया हूँ आदित्य के साथ। तो सबसे पहले हम अभी एक कैफ़े में बैठे हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे। तो आदित्य है कैफ़े में अंदर और मेरा पर्स गाड़ी में रहेगा, तो मैं अभी गाड़ी में से अपना पर्स लेने आया हूँ। और आज जैसे कि सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये देखिए, यहाँ शुरू से जहाँ से एंट्री हुई है ये टोटल मिला के सारा राउंड ऑफ करके अराउंड 100+ ब्रांड्स तो होंगी ही होंगी मिनिमम। तो मुझे भी विंटर की शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा इससे अच्छा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखते हैं क्या खरीद के निकलते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो लेने या विंटर की शॉपिंग में एक जैकेट खरीदने के लिए सोच रहा था। तो काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर, जब इधर आया तो मैंने सोचा इधर से कुछ खरीद लेते हैं। कहाँ गया मेरा पर्स? ओके ओके ओके, ये हिडन प्लेस है मेरी गाड़ी में जहाँ पर्स रखता हूँ मैं। तो कॉफ़ी मैंने ऑर्डर कर दी थी, और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद उन्होंने कहा कि हम कैश या फिर कार्ड लेते हैं, तो मेरा पर्स जो है वो गाड़ी में ही था, तो इसलिए मैं गाड़ी से पर्स लेने आ गया था। तो अब जा रहे हैं, पहले कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद इस चीज़ इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे होता है, एंट्री करते ही सबसे पहले अगर आप फूड वगैरह खाना चाहते हो तो ये कैफ़े आ जाता है बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर, राइट हैंड साइड पर ये कैफ़े आ जाता है। पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो ये है कैफ़े, यहाँ पर कैफ़े भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो ऑर्डर जैसे कि मैं पहले देके जा चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये कैफ़े अंदर से कितना अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी हाइजीन क्लीननेस है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बेकरी, फूड और कैफ़े और शॉपिंग के ऑप्शन के साथ अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो ये बेस्ट जगह है, तो बाहर ही बैठ सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो चलिए हम अपनी पहले कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ हैं यहाँ पर आदित्य। हेलो आदित्य। तो ये आ गया अपना ऑर्डर। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया ब्लैक कॉफ़ी और आदित्य ने लिया है कोल्ड कॉफ़ी। बट एक चीज़ अच्छी है कि इन लोगों ने ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक छोटा सा दिया है ये केक। चलिए पहले अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो चलिए, कॉफ़ी तो हमने पी ली है और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और कुछ ब्रांड्स पे काफ़ी अच्छे ऑफ्स भी चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री पॉइंट से। जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पर एक मदर केयर का आउटलेट आया था। तो ये दो आउटलेट हैं, एक किड्स वेरी है एक मदर केयर है। तो यहाँ पर तो बच्चों के लिए जितने भी सामान होते हैं वो मिल जाएगा, तो बच्चों के लिए शॉपिंग करना है तो ये बेस्ट जगह है। एंड आगे जाके टॉमी का भी है, उसमें किड्स का भी आउटलेट आया था, और यहाँ से स्टार्ट, ये मुझे लगता है सारे आउटलेट्स किड्स के लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं जो सारे मेंस आउटलेट्स, मेंस या लेडीज़ आउटलेट्स। तो यहाँ जितने भी मतलब अच्छे ब्रांडेड फैशन अपैरल्स वगैरह की जिसको खरीदने सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक ये इस तरह से लाइन आई थी, एक उस तरह से आया था, एक उस तरह से आया था। तो ऑलमोस्ट 100+ ब्रांड्स हैं, और मैं आपको सारी ब्रांड्स दिखाता हूँ वन बाय वन किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे नाइकी का भी है, अमेरिका लीगल है, लीवाई का शोरूम है, एडिडास है, पीटर इंग्लैंड है, न्यू बैलेंस है, बॉन्जर है, कैल्बिन है, बीवा है, विमेन स्क्वायर है, स्मैग है, उसके आगे रिबॉक भी है। तो ये एक लाइन ख़त्म हो जाती है इस तरह से। एंड एक पार्ट ये अच्छा है यहाँ पर कि अगर आप किड्स या बच्चों के साथ आते हो तो आपको ये इस तरह से टॉय ट्रेन भी मिल जाती है, आप बच्चों को यहाँ पर बैठा दो और खुद शॉपिंग में व्यस्त हो जाओ, ये भी एक अच्छा पार्ट है यहाँ पर। तो मैंने अभी जो आपको दिखाई वो ऑलमोस्ट 20 ब्रांड्स होंगी, वो सिर्फ एक ही क्यू में है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्यू दिखाता हूँ जो मेरे सामने है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्यू में एरो है, नाउटिका है, यूएस पॉल है, सुपर ड्राई है, कार्टलॉन लंडन है, स्टेटस क्यू है, गैस है, कलर प्लस है, एंड उसके आगे न्यूमरनो आ जाता है, मुफ्ती आ जाता है, काजो, ऑरेलिया, फैब इंडिया, वैन हुसैन भी है, पेपेजिन्स भी है, एंड हैमलीज भी है आगे। और यहाँ पर एक मिनी शो का भी छोटा सा आउटलेट है। एंड उसके आगे कैलसिटो भी है जो कि एक शूज़ की फुटवेयर की अच्छी ब्रांड है। एंड उसके आगे आ जाता है क्रिमसोन क्लब, क्रॉक्स आउटलेट भी है, यूसी भी है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, एंड सामने प्यूमा।
तो ये काफ़ी ब्रांड्स है जो कि 2-3 क्यू में मैंने अभी कंप्लीट आपको बताई है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है यहाँ क्या है कि यहाँ पर कितनी भी क्राउड आ जाए पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इतना ज़्यादा ओपन स्पेस है। यहाँ 2-व्हीलर के लिए अलग से पार्किंग है और 4-व्हीलर के लिए एक सेपरेट पार्किंग है, तो पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर और ब्रांड की बात करते हैं तो यहाँ टॉमी भी है और रेड टेप भी है, यूवाइका भी है, मोंटी कार्लो है, इंडी फ्यूजन है, बीइंग ह्यूमन भी है। बीइंग ह्यूमन के 2 आउटलेट हैं, मतलब 2 शॉप हैं, उन्होंने क्लब किया हुआ है। अमेरिकन टूरिस्टर भी है, जॉकी भी है, जिंक लंडन भी है, जैक एंड जॉन्स है, बैरामोडा है, कैलवस डॉस है, एनामोर है। तो अगर आप शॉपिंग के लिए आते हो ना, इतने आपको आउटलेट्स किसी इंडिया के बड़े मॉल में भी नहीं मिलने वाले हैं जितने आउटलेट इस जगह पर आ गए हैं। तो एक तो कम बजट के भी और ज़्यादा बजट के जो अच्छे ब्रांडेड आउटलेट्स होते हैं, दोनों मिक्स हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर पार्किंग स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, स्टार्टिंग में ही आप कैफ़े या फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो, उसके लिए परफेक्ट प्लेस है। और मेरे पीछे बच्चों के साथ आ रहे हो तो जैसे मैंने दिखाया कि टॉय ट्रेन भी है, एंड साथ ही यहाँ पर इन्होंने छोटी सी सिटिंग स्पेस दिया हुआ, इस तरह से लैंडस्केपिंग भी की हुई है। तो इवनिंग में यहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये एक और क्यू है जहाँ पर कुछ और ब्रांड्स है, जैसे मैंने दिखाया एनामोर लास्ट में मैंने बोला था, तो यहाँ पे मडामे भी है, लोटो भी है, वुडलैंड भी है, स्पाइकर भी है और कुछ मिक्सअप है। ये एक आउटलेट है जहाँ पे मिक्सअप 3-4 ब्रांड्स हैं। तो इस तरह से पूरा एक मैंने कम्प्लीट आपको टूर कराया, एक इसका ओपन स्पेस भी दिखाया कितना ज़्यादा है। बट जेन्यून बताऊँ, यहाँ पर रात को आने में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है और थोड़ा सा हैपनिंग सा लगता है ये स्पेस। तो ओवरऑल ये एक शॉपिंग को लेकर अगर आप वीकेंड वगैरह पे आते हो तो परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया। तो चलिए, मैंने आपको इसका एक टूर तो करा दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए जब आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। और मुझे खरीदनी थी एक जैकेट, तो अब मुझे इतने सारे ब्रांड आउटलेट में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि लेना क्या है और किसकी जैकेट अच्छी। मैं सोच रहा था कि विंटर का मैंने काफ़ी टाइम से कुछ खरीदा नहीं है, तो मैं सोच रहा था एक लेदर जैकेट ले लेते हैं। तो तो क्या बोलता है, कौन से ब्रांड में जाए? पहले हम चलते हैं सुपर ड्राई। सुपर ड्राई, तो इतनी सारी ब्रांड्स हैं बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ सुपर ड्राई में, US पोलो में, एंड इसके अलावा गैस ट्राई करेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे अगर टॉमी में हुआ तो टॉमी जाएंगे या बीइंग ह्यूमन जाएंगे। बस 4 या 5 ब्रांड्स में हम देखते हैं, अगर कुछ मिला अच्छा तो ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहले जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था मैंने एक टी शर्ट देखी थी कैल्विन से, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर आप ऑनलाइन से कंपेयर करते हो तो काफ़ी फ़र्क होता है, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हो सकता है। आप जब भी कुछ खरीदो तो ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, उसी चीज़ को आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। तो मैंने एक टी शर्ट देखी थी कैल्विन में जो कि 4,000 की थी, बट मैंने जब वो ऑनलाइन देखी तो वो 2,000 की थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। बट यहाँ ऐसा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो गया था कि मैंने यहाँ ट्राई की तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने तुरंत उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया प्राइस देख के। तो जो भी चीज़ आप खरीदो तो ऑनलाइन देख सकते हो, 3-4 दिन में घर पे आती है। अगर आप जल्दी ख़रीदना है तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं US पोलो में। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, हर ब्रांड्स में कुछ ना कुछ ऑफ चल ही रहा है। तो वहाँ पर Y1 Get 1 है, Y3 Get 3 है एरो में, एंड यहाँ पर 50% है। US पोलो में 40% है, सुपर ड्राई में भी कुछ ऑफ चल रहा है अराउंड 50%। हर एक आउटलेट में यहाँ पर हमेशा आपको ऑफ मिलेगा। तो मुझे जैसे जैकेट खरीदने, पहले हम US पोलो में जाते हैं, US पोलो की काफ़ी अच्छा स्टफ रहता है। तो US पोलो में तो हमें मिली नहीं है वो जैकेट जो मुझे खरीदनी थी, अब देखते हैं हम शायद सुपर ट्राई में हो। ज़्यादा था नहीं, 20% तो वो थी 25,000 की, और कुल मिला के 20,000 की जैकेट पड़ रही थी। बट इतने बजट में जाना नहीं, मैक्सिमम 10 या 15 बस। क्या बात है, ये रेंट में मिलेगा क्या? और कौन से में ट्राई कर सकते हैं? गैस में लो। यहाँ पर ऑफ तो वैसे सभी पर लिखा है कि आपको 50%। बस प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में जैसे ऑनलाइन रेट्स रहते हैं ना, वैसे रेट है नहीं जितना बड़ा ये स्पेस है ब्रांड आउटलेट्स को लेके, और काफ़ी फेमस भी है। तो ऑल ब्लैक हो गया मेरे साथ।
ठीक था, ये डबल लग रहा है तो मुझे ये थोड़ा सा नहीं, बट सही लग रहा है वैसे ये, सही लग रहा है। आई थिंक इसमें चैन नहीं हो जाएगा। तो दो ब्रांड्स में गए, दो ब्रांड्स में मुझे तो कुछ पसंद आ ही नहीं जो मुझे चाहिए। बाकी मैं एक यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन और ट्राई करूँगा, एंड उसके बाद जैक एंड जॉन्स या बीइंग ह्यूमन, तो इनमें देखने अगर कुछ मिलता है तो कुछ लेकर जाएंगे यार यहाँ से। अरे ये देखो यार भाई क्या करता दिखा रहा है यहाँ पर। ब्रदर ये क्या यहाँ पर रेंट पे मिलता है कैसे? ये रेंट पे मिलता है सेल के लिए? अच्छा हैमलेस में, क्या बात है। इसकी तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी, क्या बात है। आराम से आगे को करोगे तो आगे जाएगा। नहीं नहीं थोड़े फ्लैट शूज ज्यादा सही रहते हैं इस पे, थोड़े आगे बेंड करोगे तो आगे, पीछे करोगे तो पीछे। दोनों पैर आगे आ गया आ गया। भाई ये मैंने पहली बार ट्राई किया और काफी मजा आया। इसको बोलते क्या है वैसे? ओवरबोर्ड। ओके इसका प्राइस थोड़ा महंगा है, ये है 22,000 रुपीज़ का। तो चलाने में काफ़ी मज़ा आया इसको, थोड़ा सा एक बार इसके जो मूवमेंट रहती है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी भागता है, एंड इसको 10-15 मिनट में आप सीख जाओगे अगर लेने का प्लान करो तो। ये देखो बंदा कैसे चला रहा है, ये देखो भाई चलिए यार अब चल लेते हैं कुछ ख़रीदने के लिए। जैसे कि हम सर्वे कर ही रहे हैं जैकेट का, तो ज़्यादा टाइम होने वाला है और ज़्यादा हमने ब्रांड्स ट्राई करनी नहीं है, और मिलती है ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन मंगाएंगे। कलर और भी है बट ये कलर मुझे मल्टी कलर है तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे अगर ब्लैक के साथ कुछ वाइट भी पहने रेड भी पहने वो सारा चलेगा, तो इसलिए मल्टी कलर का फ़ायदा ये रहता है कि आप 2-3 ऑप्शंस नीचे डाल सकते हो वो परफेक्ट रहता है। ये मेरे को बाकी में काफ़ी अच्छा स्टफ भी लग रहा है, उसकी फिटिंग भी बड़ी कूल, काफ़ी अच्छी फिटिंग, काफ़ी कूल है। मेन है कि इसकी जो फिटिंग है ना ऐसी लग रहा है जैसे मैंने खुद कस्टमाइज करके बनवाई है। नाइस, मेरे को दो जैकेट पसंद आ गई यूसी भी, यहाँ पे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा मिला और सबसे बड़ी बात की ऑफ भी अच्छा चला यहाँ पे, और मेरे को जैकेट पसंद आई। ये मैंने लिया शिवानी के लिए और एक जैकेट लिया, ये मैंने अपने लिए लिया, कलर काफ़ी अच्छा है, तो ये दोनों हमने पहन लिए। और ज़्यादा नहीं कर सकते हम फाइनली, चलो जो लेना आया था वो मुझे मिल गया और पसंद भी आया और एक अच्छे दाम पर हैप्पी शॉपिंग हो गई मेरी। तो मैंने एक शिवानी के लिए ले लिया जैकेट और एक अपने लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और हम इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं फिनिश, आपसे मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।